नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फूड सुरक्षा विभाग ने पकड़ा सिंथेटिक पनीर। बड़ी खबर फिरोजाबाद से। खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार खाद्य सामग्रियों पर कड़ाई बरसते हुए कड़ी कार्यवाही कर रहा है। लगातार छापेमार कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों भी कई जगह खाद्य पदार्थों पर छापेमार कार्यवाही हुई है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने लगभग 1.5 क्विंटल सिंथेटिक पनीर को जब्त किया है। ये पनीर जनपद एटा से फिरोजाबाद में सप्लाई के लिए ऑटो द्वारा लाया जा रहा था, तभी खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों ने ऑटो का पीछा कर थाना उत्तर के रहना नाले पर ऑटो को पकड़ लिया। बताया ऑटो में लगभग 1.5 क्विंटल लोड है, तो वही इस अवैध पनीर को कब्जे में लेकर सैंपल लिया जाएगा और इस पनीर को नष्ट करा दिया जाएगा अगर सैंपल फेल होता है तो। वहीं इसमें 2 लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। खास रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। ये जो पनीर लेकर आ रहे थे, ये आप कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे थे? यहाँ बबलू कौन है? सप्लायर बोलते हैं। कितना पनीर है इसमें? 1 क्विंटल का है। 1 क्विंटल नाले के जस्ट बगल में ये नगला चंदन से जो है बना करके खुद लाया है, या ये तो खुद कह रहा है कि मैं सप्लाई करता हूँ, तो अभी तो जांच की विषय है। ये जनपद एटा से आ रहा है, तो ये संदेहास्पद इसलिए है क्योंकि इसमें 4 बोरियां जो है वो मिल्क पाउडर पाया गया है, तो इससे ये लगता है कि मिल्क पाउडर से बनाया गया है। कितना पनीर होगा ये लगभग? 1.5 क्विंटल पनीर इस समय इसके पास उपलब्ध है, जो कुछ पनीर सप्लाई कर चुका है इस मार्केट में फिरोजाबाद में, तो इसका नमूना और इसको डिस्ट्रॉय कराया जाएगा। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? DM ऑफिस ले जा रहे हैं। अगर आप भी हैं चर्म रोग से परेशान, तो अब तुरंत मिलेगा इस परेशानी से छुटकारा। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में चर्म रोग विशेषज्ञ दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, खुंसी, मुहासे, गंजापन, सफेद दाग, चेहरे पर काले धब्बे एवं मधुमेह, बुखार, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम के SN हॉस्पिटल के पूर्व MBBS प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रोहिताश कुमार फैमिली फिजिशियन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक देंगे सेवाएं। हमारा पता सुभाष तिराहा बस स्टैंड के पास मनोज मेडिकल के बराबर में फिरोजाबाद।